नमस्कार, मेरा नाम है रेनू। आज मैं बच्चों को प्रीपोजिशन सिखाने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि प्रीपोजिशन बच्चे सिर्फ वर्बल तरीके से ना सीखें, बल्कि एक प्रैक्टिकली तौर पर सीखें, ताकि उसका यूज कैसे किया जाता है बच्चे उसको हमेशा के लिए याद रख सकें। आशा करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, उसे लाइक करेंगे, सभी ग्रुप में शेयर करेंगे और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो आज हम लोग सब करेंगे प्रीपोजिशन। आपको पता है प्रीपोजिशन क्या होता है? नो नहीं पता? नो। अच्छा, एक चीज देखेंगे, ये क्या है? बुक्स। कितनी बुक्स है यहाँ पर? लेकिन मोबाइल कहाँ रखा है? बीच में। तो ये जो आपका बीच में शब्द है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं बिटवीन। ठीक है, यही जो बिटवीन है ये आपका प्रीपोजिशन है, यानी कि ये कनेक्ट करके बता रहा है बुक्स को और मोबाइल को कि दोनों बुक्स के बीच में आपका ये मोबाइल रखा हुआ है। यानी कि सेंटेंस क्या बनेगा? द मोबाइल इज बिटवीन द बुक्स। वेरी गुड, द मोबाइल इज बिटवीन द बुक्स। अच्छा, देखिए मेरे सामने ना कुछ पिक्चर भी बनाई है। पहले हम आपको बताते हैं व्हाट इज प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन कनेक्ट्स ए नाउन और प्रोनाउन टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि वाक्य में जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं आपके, उनको कनेक्ट करके बताता है, उनको रिलेट कर देता है और भी बताता है कि ये जो दोनों नाउन और प्रोनाउन है ये आपस में क्या रिश्ता बना रहे हैं। चीज किसी चीज के ऊपर रखी है या नीचे रखी है या सामने है या पीछे है। जैसा कि पहली पिक्चर में आप देखिए, ये मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है और बॉक्स में क्या है? कैट। बॉक्स में कहाँ पर है? अंदर। अंदर है, तो यानी कि इन भी बोलेंगे इसको और इन साइड भी बोलेंगे। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? द कैट इज इन द बॉक्स। और ये भी बोल सकते हैं द कैट इज इन साइड द बॉक्स। वेरी गुड। सेकेंड पिक्चर देखिए, इसमें बर्ड जो है वो कहाँ बैठी है? ऊपर। बॉक्स के ऊपर। तो ऊपर को क्या कहेंगे? ऑन। तो इसको क्या सेंटेंस बनेगा? वेरी गुड। अच्छा, थर्ड पिक्चर देखिए, इसमें कैट बॉक्स के सामने है। बॉक्स के सामने है। सामने को हम कहते हैं इन फ्रंट ऑफ। क्या कहते हैं? इन फ्रंट ऑफ। अच्छा, तो सेंटेंस क्या बनेगा? द कैट इज इन द बॉक्स। उसके बाद ये देखिए, दो बॉक्सेस हैं, ठीक है, टू बॉक्सेस हैं, उनके बीच में एक बर्ड है। तो सेंटेंस इसको क्या कहेंगे हम? बिटवीन। सेंटेंस क्या बनेगा? द बर्ड इज बिटवीन बॉक्सेस। टू बॉक्स है ना बेटे, तो ये बन जाएगा बॉक्सेस। द बर्ड इज बिटवीन बॉक्सेस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर जो आपकी कैट है वो कहाँ पर है? पीछे। पीछे को क्या कहते हैं? बिहाइंड। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? द कैट इज बिहाइंड द बॉक्स। इसमें अब हमारी कैट कहाँ चली गई? उसके नीचे चली गई। नीचे को क्या कहते हैं? अंडर। क्या कहते हैं? तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? वेरी गुड, द कैट इज अंडर द बॉक्स। अब कैट कहाँ पर है? बॉक्स के साथ में है। बॉक्स के साथ में है, उसको हम कहते हैं बिसाइड। क्या बोलते हैं? बिसाइड। तो क्या बनेगा सेंटेंस? वेरी गुड। अच्छा ये देखिए, ये क्या है? क्या बैठे हैं आप लोग? बैठे हो सारे, ठीक है। अब जब कोई चीज जैसे हम सबके ऊपर है तो वो क्या हो गई? ओवर। ओवर। तो सेंटेंस क्या बनेगा? द फैन इज ओवर द फैन इज ओवर। वेरी गुड। अच्छा ये देखिए, यहाँ पर एक ग्रुप है कुछ बच्चों का, उस ग्रुप में से एक रिया नाम की लड़की निकल कर आई है और वो डांस कर रही है, ठीक है। तो ग्रुप में से जब निकल कर आई है और जब उसके बारे में बताएंगे तो वो हो जाएगा आपका अमाउंट। तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा?
Ria is dancing among all the girls. क्या बनेगा? Ria is dancing among all the girls. Very good. समझ में आया आपको? Yes. चलिए हम कुछ example ऐसे करते हैं, ठीक है? Sentence क्या बनेगा बेटे इसका? The mobile is between the books. Very good. Clapping के लिए. Chair और purse की position बताओ. The bag is on the chair. Very good. Clapping के लिए. Water bottle is. Inside. नहीं बेटा अंदर नीचे. The water bottle is. Under the chair. Very good. बताइए. बताओ जरा इसके लिए क्या sentence बनेगा? The bag is in the box. Very good. मोसीना की position बताइए जरा. मोसीना is in front of cats. In front of the cats. Very good. Mosina is behind the cats. Very good. The doll is among all the girls. The bag is over. Very good. The fan is over. आपके लिए सेंटेंस है द डॉग इज डैश द चेयर. प्रियांशी देखो जरा सेंटेंस में और पिक्चर देखो क्या आएगा वहां पर. द डॉग इज ऑन द चेयर. वेरी गुड. क्लैपिंग करो. फिर करके दिखाओ प्रियांशी. वेरी गुड. आविया के लिए सेंटेंस है द कैट इज डैश द टब. देख के बताओ पिक्चर. कैट कहां पर है अभी? The cat is in the tub. Very good. शाबाश. लिख के दिखाओ. फिल करो. आपके लिए सेंटेंस है द हाउस इज डैश द ट्रीज. द हाउस इज बिटवीन द ट्रीज. वेरी गुड. बेटे राइट करके दिखाओ. स्मॉल लेटर बेटा. स्मॉल लेटर. वर्ड हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है. चीतू माओ आपके लिए सेंटेंस है ए मैन इज डैश द बॉय. ए मैन इज बिसाइड द बॉय. वेरी गुड. फिल करके दिखाओ. वेरी गुड. अंडर द बॉल इज अंडर द डेस्क. टेबल है बेटा सेंटेंस में. चलो लिखो इधर से. विद्या आओ आपके लिए है द बॉय इज डैश द ट्री. वेरी गुड. वेरी गुड. पास मैंने वो दे दी है आपको. स्लिप दे दी है. ओके अब एक एक बच्चा मैं एक्टिविटी करके दिखाए. ठीक है. आई एम ऑन द डैश. वेरी. क्लैप करिए. आई एम बिसाइड द डैश. वेरी. आई एम डार्लिंग अमंग द गर्ल. द मोबाइल इज बिटवीन द बुक्स. वेरी. आई एम ओवर द डैश. फैन है वो. दोबारा बोलो. अच्छा ये देखिए बेटा अभी बॉली ने आपको बताया द बॉटल इज आउट ऑफ द बॉक्स. ठीक है. इसका आउटसाइड भी हो सकता है. नैन्सी की मम्मी ये बताइए कि जब से अब ये क्लास में हम लोग नई एक्टिविटी करवाने लगे हैं उसे नैन्सी को कोई फायदा हुआ है? हाँ बहुत फायदा हुआ है. अच्छा पढ़ने लगती है. अच्छा अच्छी समझ हो गई इसके अंदर. बहुत अच्छा करती है. अच्छा पहले तो जैसे स्कूल रेगुलर नहीं आती थी
अब अपने आप स्कूल आने के लिए बोलती है नैन्सी। अब स्कूल आने का मन करता है तुम्हारा? अच्छा लगता है स्कूल में आना? भी हो जाएगा, ऑपरेशन भी हो जाएगा, वो ठीक भी हो जाएगी। बहुत अच्छा करती है वो हर चीज में, बहुत अच्छा। अभी तो ऑपरेशन भी हो जाएगा, ठीक है नैन्सी? मजा आता है ना पढ़ने में। अब रेगुलर स्कूल आओगी ना और रोज एक्टिविटी करेंगे, नहीं ठीक है? नैन्सी के लिए क्लब करो, नैन्सी ने बहुत अच्छी एक्टिविटी की। हाँ, और सभी बच्चे नैन्सी के लिए क्लैपिंग करेंगे, नैन्सी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। क्या हुआ? अरे रो क्यों रहे हो? आपकी लड़की देखो कितनी स्ट्रांग है, वो बिल्कुल भी कभी भी मेरे को उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि वो परेशान है, ठीक है? मैं तो ये देखती हूँ कि उसका पढ़ने में देखो कितना इंटरेस्ट लेती है हर चीज में, हर चीज। हाँ, कहते हैं, कहती है कि हमेशा कहती है रेणु मैडम मेरे को ये करवाती है, रेणु मैडम हमें ये करवाती है, सब कुछ। और बच्चे की परफॉर्मेंस देखकर काफी खुश है आप? हाँ। खुशी के आंसू निकल रहे हैं। कोई नहीं बेटा, अच्छा काम करना है, इधर देखो। हाँ, बाय कर दो। हाँ ठीक है, ओके। जाओ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक